फ्रेंड्स, मैं हूँ एहसन मुजतबा और मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आया हूँ एक समरी, एक पोएम पे समरी है। वो पोएम है एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। अब एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, इसमें एक एलिजी है। एलिजी का मतलब होता है एक सैड सॉन्ग या एक सैड पोएम, मतलब किसी सैड ओकेन पे कोई ऐसा पोएम या सॉन्ग लिखा हुआ हो तो उसे एलिजी कहते हैं। अब चर्च यार्ड क्या है? चर्च यार्ड जो होता है वो एक कब्रिस्तान को कहते हैं। चर्च का मतलब चर्च का कब्रिस्तान, यार्ड कब्रिस्तान को कहते हैं। चर्च का कब्रिस्तान है एक मुल्क का, उसको उस पे एक सैड सॉन्ग लिखा हुआ है। तो ये जो एक किस्सा है, ये जो पोएम लिखी हुई है थॉमस ग्रे की लिखी हुई है। थॉमस ग्रे वाज अ ग्रेट पोएट। इसने मतलब ये पोएम बहुत अच्छे तरीके से लिखी। और किस पे लिखी कि एक कब्रिस्तान पे जाकर बैठ गया थॉमस ग्रे। और क्या करता है असल में, ये जो है ना एक खसूसियात बताता है, मरे हुए लोगों की खसूसियात बताता है। अब सबसे पहले तो उस गांव का, उस कब्र का, कब्रिस्तान का मतलब हमें मंज़र दिखाता है। मंज़र ये दिखाता है कि वह कहता है, शायर थॉमस ग्रे कहते हैं कि शाम का वक़्त है, सूरज ढलने को है और कैटल्स अपने घरों को वापस जा रहे हैं। किसान भी थके हुए अपने घरों को वापस जा रहे हैं खेती बाड़ी करके। अब वापस जा रहे हैं, जब कैटल्स वापस जा रहे हैं घरों को, तो उनकी जो गले में घंटियां हैं वो बज रही हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से घंटियां बज रही हैं। और जो परिंदे हैं वो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और उनकी चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें भी बहुत स्वीट सी आ रही हैं। यह मंजर दिखाता है पोएट। उसके बाद पोएट अपनी जो खसूसियात हैं मरे हुए लोगों की वो बताता है। पोएट कहता है एक कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाता है। कब्रिस्तान में एक मतलब वहाँ मरे हुए लोग सब सोए होते हैं अपनी गहरी नींद में। वह कहता है कि यहाँ जो जो भी लोग हैं वो सारे के सारे, इन कब्रों में जो लोग हैं वो सारे के सारे किसान हैं। उसको कैसे पता चलता है कि किसान है? मतलब कि जो कब्रिस्तान के जो कब्रें हैं वो बहुत सिंपल बनी हुई हैं। उनमें कोई भी ऐसा श्राइन वगैरह बना नहीं हुआ, मतलब कि जैसे अमीर लोग बनाते हैं श्राइन वगैरह अपनी ग्रेव के ऊपर, इसमें कोई भी ऐसा नहीं बना। सारे के सारे कब्र मतलब मिट्टी के बने हुए हैं। अब शायर कहता है कि ये जो लोग थे ये सारे गरीब हैं और ये बहुत अच्छे ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। हमेशा दूसरों की मदद करते थे, गरीब थे, कभी भी दौलत अंबार करने के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं उन्होंने लुटाई। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, अपना जो उनके कैटल्स थे और खेती बाड़ी थी उन पे ही सिर्फ मेहनत करते थे और शाम को वापस आके अपने घरों में टाइम देते थे। मतलब कि उनको कोई टेंशन नहीं होता था, वो किसी भी बुरे काम में उनका कोई मुलविस नहीं थे। वो बुरे कामों में, बुराइयों में मुलविस ना थे और ना ही किसी ऐसी मतलब कि दौलत की अंबार जमा करने के लिए मसरूफ थे। सिर्फ वो अपने बस मेहनत करते थे जो सुबह के टाइम और दिन के टाइम और शाम को अपने अपने घरों के घरों घर आ जाते थे। मतलब बहुत अच्छी ज़िंदगी थी उनकी शायर के हिसाब से। और शायर कहता है कि वो तालीम याफ्ता भी नहीं थे। और फिर शायर कहता है कि शायद अगर ये तालीम याफ्ता होते तो शायद ये बुरे काम करते, ये दूसरों को दुख देते, तकलीफ़ देते और अपनी मुसर्रत व अमन वाली ज़िंदगी नाश गुजारते और जो गुर्बत वाली ज़िंदगी वो भी ना गुजारते, अल्लाह ताला की इबादत ना करते। उनको अपना गुरूर होता, अपने पैसों की टेंशन होती और उसी पैसों पे उनकी सिक्योरिटी या उससे भी ज़्यादा पैसे बनाने हैं अगर उनको, तो वो उस पे सोचते। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिस पे खुदा राज़ी हो, या मतलब कि कोई गरीबों को मदद नहीं करते, कोई ऐसी अमन या मसरत वाली ज़िंदगी ना गुजारते, सिर्फ दौलत अंबार करने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते। ये शायर का कहना है। और शायर कहता है कि जो कब्रिस्तान जो गरीब लोगों की मतलब कि हिमायत करता है, उनकी उनके बारे में बताता है कि गरीब लोग उनकी ज़िंदगी बहुत अमन मसरत की ज़िंदगी होती है। वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और वो जो शायर कहता है कि उस कब्रिस्तान में बैठा हुआ होता है और वहीं उसको ही डेडिकेट करता है कि उससे उम्मीद होती है
कि अगर आज मैं इधर बैठा हूँ और इनके मतलब इनके इनके सवाल कर रहा हूँ या इनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो सुबह कोई और होगा, मैं इसी मिट्टी में लेटा हुआ होऊंगा, गहरी नींद में होऊंगा, और सुबह कोई और आएगा और यहाँ मेरी जगह गए जगह पे बैठ के यही बातें मेरी मतलब कि यही बातें कर रहा होगा मेरे बारे में या किसी और कब्र के अंदर जो आदमी होगा उसके बारे में। और शायर कहता है कि जो कब्र में लेटे हुए आदमी हैं, जो बंदे हैं, वह सारे के सारे इतनी गहरी नींद में हैं कि उनको कोई भी घंटियों की आवाज़ें या पंछियों की चिड़चिड़ाहट या कोई और आवाज़ें ऐसी उनको जगा नहीं सकती, या मुर्गे की आवाज़ सुबह के टाइम वह भी उनको जगा नहीं सकती, इतनी उनकी गहरी नींद है। और वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कयामत आ जाएगी। ये शायर का एक कंक्लूजन है इस पोएम के हवाले से, मतलब कि एक एनएलईजी मतलब एक दुख का पोएम लिखा हुआ है एक कब्रिस्तान में, जाकर वह कब्रिस्तान में शायर बैठता है, वहीं एक कंक्लूजन देता है अपना कि इन गरीबों की कैसी ज़िंदगी गुजरी और क्या करते थे, मतलब कि उनकी खसूसियात बताता है इस पोएम में। तो ये थी खसूसियात इन मतलब के जो किसान थे उनकी, और जो मरे हुए किसान थे, मतलब वो कहता है कि जो मरे हुए लोग वहाँ थे वो सारे किसान थे, गरीब लोग थे, और बहुत ईमानदार और अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजारते थे। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।